हेलो फटेटो, अभिवादन आपका एक्जिमर के इस नए वीडियो एपिसोड में। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI की रिपोर्ट जो 2012 में आई, इस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हमने 1791 सैंपलों की जांच की जिसमें 68% दूध मिलावटी पाया गया। तो हमारे घरों में आने वाला दूध आखिर कितना प्योर और सेफ है, यही है इस वीडियो का विषय, जिसमें आज आप जानेंगे दूध कितने प्रकार का होता है, दूध की क्वालिटी का मानक क्या है, दूध में मिलाया क्या जाता है, मिलावट के नुकसान क्या हैं, और मिलावट को जानने के लिए आपको कौन से टेस्ट करना चाहिए, जैसे प्रश्नों के जवाब विस्तार से। ये और इनके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अलावा नामी दूध की डेयरियां भी मानती हैं कि दूध में खतरनाक केमिकल की मिलावट का खेल चल रहा है, लेकिन वे ये दावा भी करती हैं कि उनका दूध प्योर और सेफ है। दूध की सेफ्टी और प्योरिटी के बारे में आपको भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। आमतौर पर दूध में 85% पानी होता है और बाकी हिस्से में ठोस तत्व यानी मिनरल्स और फैट होते हैं। बाजार में गाय भैंस के अलावा विभिन्न कंपनियों का पैकेट वाला दूध मिलता है। दूध प्रोटीन, कैल्शियम और राइबोफ्लोविन यानी विटामिन B2 युक्त होता है। इसमें विटामिन ए, डी, के और ई के समेत फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन और कई मिनरल और फैट तथा एनर्जी भी पाई जाती है। इसके अलावा दूध में कई एंजाइम और लिविंग ब्लड सेल्स भी मिलते हैं। डाइटिशियंस की माने तो ये सब पोषक तत्व तो हमारी मांसपेशियों और हड्डी के गठन में अहम भूमिका निभाते हैं। दूध का प्रोटीन एंटीबॉडीज के रूप में काम करता है और हमें इन्फेक्शन से बचाता है। तो आइए अब जानते हैं कि दूध कितने प्रकार का होता है। कई तरीके का दूध हम सब इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाय का दूध। गाय के दूध में प्रति ग्राम 3.14 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। गाय के ताजा दूध को ही सबसे अच्छा माना जाता है। कुछ स्टडीज बताती हैं कि गाय के दूध से बेहतर भैंस का दूध होता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है और मिनरल्स ज्यादा होते हैं। दूसरे तरीके का दूध हम उपयोग करते हैं, भैंस का। भैंस के दूध में प्रति ग्राम 0.65 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है। भैंस के दूध में गाय के दूध की तुलना में 92% कैल्शियम, 37% आयरन और 118% फास्फोरस ज्यादा होता है। इसके अलावा हमारे घरों पर पैकेट वाला दूध भी आता है। इस तरह का दूध मदर डेयरी, अमूल, पराग जैसी कंपनियां सप्लाई करती हैं। इसमें विटामिन ए, आयरन और कैल्शियम ऊपर से भी मिलाया जाता है। पैकेट वाले दूध में भी कई तरह के दूध आते हैं, जैसे फुल क्रीम, टोंट, डबल टोंट और फ्लेवर्ड मिल्क। फुल क्रीम में फैट सबसे अधिक होता है। इन सभी प्रकार के दूध की अपनी उपयोगिता है, पर डॉक्टरों की राय में बच्चों के लिए फुल क्रीम दूध बेहतर है, तो बड़ों के लिए कम फैट वाला दूध। इसके अलावा बकरी का दूध, ऊटनी का दूध, फ्लेवर्ड मिल्क और सोयाबीन का दूध भी हम लोग उपयोग करते हैं। और आइए अब जानते हैं कि दूध की क्वालिटी का मानक क्या है। दूध में फैट और SNF की मात्रा प्रतिशत में नापी जाती है और पैकेट वाले दूध में ये लिखी भी होती है, जो कि क्वालिटी का एक मानक है। फैट यानी क्रीम और बटर और SNF यानी सॉलिड नॉन फैक्टर यानी दूध में मौजूद लैक्टोज, प्रोटीन, कैल्शियम और मिनरल जैसे तत्व। और मानकों के अनुसार खुले दूध में SNF 8.5% और फैट 3% होना चाहिए। फुल क्रीम दूध में SNF 9% और फैट 6%। टोंट पैकेट दूध में SNF 8.5% और फैट 3%। डबल टोंट दूध में SNF 9 और फैट 1.5। स्किम्ड दूध में SNF 8.5 और फैट 0.5 से कम होना चाहिए। स्टैंडर्डाइज दूध में SNF 8.5 और फैट 4.5 होना चाहिए। और आइए अब जानते हैं कि दूध में आखिर मिलाया क्या जाता है। आजकल दूध में यूरिया, अमोनिया, नाइट्रेट फर्टिलाइजर, स्टार्च, सुगर, ग्लूकोज और नमक की मिलावट करके दूध की मात्रा बढ़ाई जाती है, साथ ही उसमें SNF और फैट भी बढ़ाया जाता है। न्यूट्रलाइजर इसलिए मिलाया जाता है कि दूध में खटास न पैदा हो, और हाइड्रोजन परऑक्साइड और फॉर्मेलिन मिलाने के पीछे वजह यह है कि दूध जल्दी खराब न हो। इसके अलावा दूध में आटे और स्टार्च की मिलावट होती है, और यह मिलावट इसलिए होती है क्योंकि यूरिया और अमोनिया की वजह से जब दूध खराब हो जाता है तो उसके टेस्ट में यह शुगर की मिठास देता है। और आइए अब बात करते हैं कि मिलावट के नुकसान क्या हैं। दूध में हाइड्रोजन परऑक्साइड
यूरिया, अमोनिया, नाइट्रेट फर्टिलाइजर, न्यूट्रलाइजर, फॉर्मेलिन आदि की मिलावट से शरीर के अंदरूनी हिस्से मसलन आंतें, किडनी, लीवर आदि प्रभावित हो सकते हैं। लंबे समय तक ऐसे खतरनाक केमिकल वाले दूध पीने से शरीर के तमाम अंगों में गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। जहां तक मिलावटी दूध पकड़ने का सवाल है तो सबसे बढ़िया किट तो आपकी जवान है। दूध अगर मिलावटी होगा तो आपको उबकाई सी महसूस होगी। मिलावटी दूध की चाय बनाएं तो वह फट जाएगी और ऐसे दूध से मक्खन और घी भी नहीं निकलेगा। इसके अलावा जब आप शुद्ध दूध की चाय बनाकर रखते हैं तो थोड़ी देर रखने के बाद उसके ऊपर एक पपड़ी की परत पड़ जाती है। ऐसा मिलावटी दूध के साथ नहीं है। और अगर आप चाय बनाएं और थोड़ी देर रखने के बाद पपड़ी नहीं पड़ती तो आप समझ जाएं कि आपका दूध मिलावटी है। इसके अलावा भी मिलावट जानने के लिए कई सारे टेस्ट आप कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं मिलावट जानने के लिए टेस्ट कैसे करें। मुख्यतः 10 चीजें मिलाई जाती हैं। तो सबसे पहली चीज है यूरिया। दूध में यूरिया मिली है या नहीं इसे जानने के लिए आप 2 मिलीलीटर दूध लें, उसमें 2 मिलीलीटर यूरिया परीक्षण रसायन यानी यूरिया रिजेंट डालें और दोनों को अच्छी तरह मिलाएं। पीला रंग दिखाई पड़े तो दूध में यूरिया मिलाया गया है। इसके अलावा जो दूसरी मिलावट होती है वह है अमोनिया की। अमोनिया की मिलावट के लिए आप 1 मिलीलीटर दूध लें और उसमें 2 मिलीलीटर अमोनिया रिजेंट डालें, अच्छी तरह मिलाएं। रंग भूरा हो जाए तो समझिए दूध में अमोनिया फर्टिलाइजर मिलाया गया है। तीसरे चीज की मिलावट होती है नाइट्रेट फर्टिलाइजर की, और इसकी पहचान के लिए 1 मिलीलीटर दूध लें और ट्यूब के किनारे से 1 मिलीलीटर नाइट्रेट रिजेंट डालें। दूध और नाइट्रेट के मिलने की जगह अगर नीला घेरा बन जाए तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर या तालाब का पानी मिलाया गया है। दूध में चौथी चीज मिलाई जाती है स्टार्च। स्टार्च की पहचान के लिए 5 मिलीलीटर दूध खूब उबालें और ठंडा होने पर स्टार्च रिजेंट की कुछ बूंदें मिला दें। नीला रंग होने पर समझें कि दूध में स्टार्च मिलाया गया है। पांचवी चीज जो दूध में मिलाई जाती है वो है चीनी, और इसके परीक्षण के लिए 1 मिलीलीटर दूध लें, उसमें 1 मिलीलीटर चीनी परीक्षण रसायन यानी शुगर रिजेंट मिलाएं और 3 से 5 मिनट तक उबलते पानी में रखें। लाल रंग होने पर समझें कि दूध में चीनी की मिलावट है। और छठी चीज जो दूध में मिलाई जाती है वो है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के परीक्षण के लिए 1 मिलीलीटर दूध लें और उसमें 1 मिलीलीटर ग्लूकोज रिजेंट 1 मिलाएं। 3 मिनट तक इसे उबलते पानी में रहने दें और ठंडा होने पर 1 मिलीलीटर ग्लूकोज रिजेंट 2 मिलाएं। गहरा नीला रंग होने पर आप जान जाएंगे कि दूध में ग्लूकोज मिलाया गया है। और दूध में जो सातवीं चीज मिलाई जाती है वो है नमक। इसके लिए आप 5 मिलीलीटर साल्ट रिजेंट 1 लें और इसमें साल्ट रिजेंट 2 की कुछ बूंदें मिला दें। लाल रंग उभर कर आएगा और उसमें 1 मिलीलीटर दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं। पीला रंग होने पर समझिए कि दूध में नमक मिलाया गया है। और दूध में जो आठवीं चीज मिलाई जाती है वो है न्यूट्रलाइजर, और न्यूट्रलाइजर की पहचान के लिए 5 मिलीलीटर दूध लें, उसमें 5 मिलीलीटर न्यूट्रलाइजर परीक्षण रसायन जिसे न्यूट्रलाइजर रिजेंट 1 कहा जाता है और न्यूट्रलाइजर रिजेंट 2 की कुछ बूंदें मिलाएं और अच्छी तरह घोलें। गुलाबी रंग होने पर समझ लें कि न्यूट्रलाइजर मिलाया गया है। दूध में नौवीं चीज जो मिलाई जाती है वो है हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इसके परीक्षण के लिए आप 1 मिलीलीटर दूध लें और उसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड की कुछ बूंदें डालकर अच्छी तरह मिलाएं। गुलाबी या लाल रंग होने पर समझिए कि दूध में हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलाया गया है। और इसके अलावा दूध में जो दसवीं और अंतिम चीज मिलाई जाती है वो है फॉर्मेलिन, और फॉर्मेलिन के परीक्षण के लिए 10 मिलीलीटर दूध लें और उसमें ट्यूब के किनारे को छूता हुआ 5 मिलीलीटर फॉर्मेलिन रिजेंट डालें, और अगर बीच में गहरे जामुनी रंग का घेरा बने तो समझें फॉर्मेलिन मिलाया गया है। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक, और हमें उम्मीद है कि हमारी सलाहें आपको और आपके परिवार को स्वस्थ बनाए रखने में मददगार साबित होंगी। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे किसी से शेयर जरूर कीजिएगा, और इस विषय से संबंधित आपका कोई प्रश्न, अनुभव या सुझाव हो तो आप कमेंट कीजिएगा। और वीडियो के दूसरे भाग में हम जानेंगे दूध की टेस्टिंग का सही तरीका क्या है, मिलावट जांचने की किट कैसे पाएं, और मिलावटी दूध की शिकायत कहां करें, क्या रखें सावधानी। और देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।